हेलो फ्रेंड्स, सूर्य नर्सरी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम अबोली के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। अबोली का प्लांट्स दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम उसके पत्तों की बात करें तो उसका जो पत्ता होता है वो कुछ नीम के पत्ते के जैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, अबोली का प्लांट्स होता है वो बारह मास फूल देने वाला पौधा है और उसके ऊपर ऑरेंज कलर का सबसे सुंदर और पीछे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा वो खांचे वाला होता है, गुच्छे वाला होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स है वो बारह मास फूल देता है और इसको ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम पॉट्स में लगाने चाहें या फिर ज़मीन में भी लगाना चाहें तो भी इसको ईजिली उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पौधा है इसका जो फ्लावर्स होता है वो साउथ इंडियंस में, इसको लेडीज़ लोग होते हैं वो गजरे में इसको यूज़ करते हैं। इसका जो पीछे का जो फ्लावर्स के पीछे का हिस्सा होता है वो खांचे वाला होता है, तो बालों में अच्छे से वो फिट हो जाता है और जल्दी से निकलता नहीं है। और इसका फूल भी अगर हम इसके प्लांट्स पर से हटा लेंगे, मतलब तोड़ लेंगे, तो उसको ये जल्दी से सूखेगा नहीं और मुरझाएगा भी नहीं। तो इसकी वजह से इसका जो फ्लावर्स होता है उसको साउथ इंडियंस में लेडीज़ लोग गजरे में भी इसको यूज़ करते हैं। और गजरा अगर हम इसका बना देते हैं तो उसका जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छा और गुच्छे वाला होता है। तो फ्रेंड्स, ये उसका फूल का ज़्यादातर साउथ इंडियंस में यही यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इसको अगर हम गमले में लगाना चाहते हैं तो इसकी जो मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और खाद में, खाद की अगर हम बात करें तो वर्मी कंपोस्ट या फिर सिटी कंपोस्ट और मिट्टी, तीनों मिक्स करके इसको हम इजीली उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको पानी की ज़रूरत, पानी की बात करें तो पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसका मिट्टी थोड़ा सा सूखा हो जाए गमले में या फिर ज़मीन में लगा हो तो तब भी देने का, और जब भी पानी दो तब पूरे गमले में फैल जाए ऐसे देने के। या फिर जो प्लांट्स होता है उसके अगर हमने ज़मीन में लगाए हैं तो इसके ज़मीन आसपास की पूरी ज़मीन को गीला हो जाए, उस तरह से पानी देने का। फ्रेंड्स, इसके पर पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसके पर ज़्यादातर इंसेक्ट अटैक नहीं होता है तो इसको पेस्टिसाइड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से हम इसको अपने घर पे इजीली उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, कोई भी इसको अपने घर पे लगा सकता है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसा ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.